कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बस हम आधे घंटे और हम रेडी होंगे, रेडी होकर हम करेंगे पूजा। पूजा के बाद हम देखते हैं खाने में। तो मैंने आपको बताई है कि हम लोग बना रहे हैं बेसन के लड्डू, बर्फ़ी वगैरह, काफ़ी सारी मिठाइयाँ भी काफ़ी सारी घर पर बन रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है सबके साथ में। तो बस अभी थोड़ी देर में जो बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करके फिर हम होंगे तैयार, और फिर हम होते हैं सबके साथ में हम करेंगे दिवाली सेलिब्रेट। तो आई होप कि आपने अभी दिवाली सेलिब्रेट करिए, इन्जॉय करिए, खुशियाँ लाइए घर में बहुत सारी। यही मैं अगर इस दिवाली में आपके यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आए, आप लोग हैप्पी रहो पूरे साल, यही मैं कामना करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे। सो गाइस, मैं आपको लेकर चलती हूँ हमने कैसे रंगोली बनाई है, कैसे डेकोरेशन किया। तो देखिए नीचे हमने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी, आपने नीचे देखा होगा स्माइली टाइप की बनाई थी, लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे, ऊपर का भी मैंने दिखा दिया आपको। और देखिए गेट पे पूरा फ्लावर से हमने डेकोरेशन कर रखी हुई है, अंदर हमने गेरू से पूरा लक्ष्मी जी के लिए स्वागत के लिए सारा कुछ कर दिया है। अंदर का हॉल हमने कुछ एक साइड इस तरह से डेकोरेशन किया था, साथ में हमने बनाई है रंगोली। और देखिए अभी में हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। तो अभी बेसन भून रही थी मैं, एक्चुअली मदर इन लॉ भून रही थी मैं, थोड़ा सा मतलब हिला के चली गई थी क्योंकि बड़ों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। और साथ में मैं बना रही हूँ दही बड़े, मैं दही बड़े बना रही थी, वो बेसन के लड्डू बना रही थी। साथ में बन रहे हैं छोले, चावल, पूड़ी, सब्जी। और देखिए अब सब कुछ बनकर तैयार हो चुका है, छोले, दही बड़े, बेसन के लड्डू, चटनी। सो गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप की ड्रेस पहन रखी है, और बाकी सब लोग भी रेडी हो चुके हैं। मंदिर देखिए सब जगह झालर वगैरह लगा दी है, लाइटिंग्स हो गई है, बाहर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको सबका लुक दिखाऊंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल। सो गाइस, अब हमने पूजा स्टार्ट कर दी है, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। मेरी मदर इन लॉ प्रॉपर पूजा कर रही थी, सब लोग और सब लोग बैठे हुए थे, पर घर के बड़े सबसे पहले हम लोग पूजा सबसे घर के बड़े पहले पूजा करते हैं, फिर बाद में सारे लोग पूजा करते हैं। तो सब पूजा हो रहा है, और देखिए सो हम इसके बाद हम लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, मेरा बेटा भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, मैं भी गुड़िया को लेके साथ में फुलझड़ी वगैरह जला रही थी, बहुत खुश हो रही थी वो देख के सब कुछ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि पूरी फैमिली में दिवाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। और दिवाली हमेशा फैमिली के साथ ही करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जो साल में एक ही बार आता है, तो हमें उसमें पूरा सब कुछ इन्जॉय करना चाहिए, बुराइयों को भूल के अच्छाइयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए, जिसमें हम निगलेक्ट करते हैं वो सब कुछ अच्छा ऐसे सब कुछ सेलिब्रेट करना चाहिए। और देखिए मेरे हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, चकली वकड़ी जला रहे थे, और हम लोग भी अनार वना जला के बहुत मज़ा कर रहा था हम लोगों ने। बस इसके बाद हम लोगों ने कुछ फोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, मैंने भी गुड़िया की भी सबकी फ़ोटो वगैरह खींची थी, हम लोगों ने प्रॉपर मस्ती करी, रंगोली के साथ फोटो वगैरह खिंचवाई। तो ऐसे करके हमने अपना पूरा दिवाली का फेस्टिवल पूरा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, मज़े किए, और बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप सब लोगों ने भी ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट करी होगी, घर में बहुत सारी खुशियाँ लाई होगी, बहुत मस्ती करी होगी सब फैमिली के साथ में। तो चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू बाय।